वेलकम स्टूडेंट नाउ फॉर स्टैंडर्ड 8, वेरी गुड मॉर्निंग। सो स्टूडेंट वी हैव फिनिश्ड अ चैप्टर ऑफ योर मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट हमने एक चैप्टर फिनिश किया है और वो चैप्टर का नेम क्या है, रेशनल नंबर। सो स्टूडेंट ये चैप्टर लगभग शायद हमारे इसके कितने वीडियो मिले आपको, 4 पार्ट में फिनिश किया। तो स्टूडेंट इसकी थ्योरी थी बोरिंग हो सकती, इट कैन बी बोरिंग, बट जो भी इसके थे ना क्वेश्चन वगैरह वो सारे बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन थे। नंबर लाइन, फाइंड द नंबर, ये टाइप के इसके कुछ क्वेश्चन थे। और इसमें सिर्फ आपने देखा होगा दैट द चैप्टर हैज दैट ओनली 2 एक्सरसाइज, चैप्टर के अंदर इसके सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज थी। सो स्टूडेंट ये चैप्टर के रिलेटेड इसका टेस्ट होगा, वो भी आपको ये वीडियो के साथ में मिलेगा। लेकिन वीडियो देखना, फिर उसका होमवर्क करना, एंड देन वो टेस्ट को आपको एक बार स्टार्ट करना है रफ नोटबुक में, ठीक है, फिर के अंदर वो मत नोट करना, या क्लिप पेपर पर उसको लिख देना नेम के साथ में, और जब भी स्कूल आओ तब लेके आना। सो स्टूडेंट जो भी आपको वीडियो लेक्चर के अंदर ये होमवर्क मिलते हैं, फिर उसके बाद ये कहा गया है दैट वेन यू फिनिश योर होमवर्क यू सेंड अ मैसेज टू योर टीचर दैट सर आई हैव डन माय टुडेज वर्क एंड देन योर नेम। ये कहने के बाद भी लगभग स्टैंडर्ड 8 के अंदर से 4-5 स्टूडेंट का ही मैसेज आता है। वो स्टूडेंट के नेम भी मुझे याद है, मिसवा, ठीक है, रेवर, उसके बाद में देन आदित्य, ठीक है, त्रिषा, रेवर, ये कुछ स्टूडेंट के ही मैसेज आते हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझे, यही काम कर रहे हैं, ये स्टूडेंट के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। सो स्टूडेंट ये आपके लिए है, सारी ऑनलाइन क्लास वगैरह ये आपके लिए है कि आपकी स्टडी ना बिगड़े, आपकी पढ़ाई नहीं बिगड़े, आपका कोर्स भी सही टाइम पर हो जाए। सो स्टूडेंट नाउ फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ योर मैथ। सेकेंड चैप्टर इज व्हाट स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, नाउ एज पर नेम वी डिस्क्राइब द नेम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ इट फर्स्ट स्टूडेंट वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर मीन्स ये इक्वेशन का, ठीक है, जो भी आएगा ना ग्राफ प्लॉट करेंगे, व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन वी विल गेट अ लीनियर ग्राफ। ओके, इक्वेशन मीनिंग इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इट मीन्स दैट इक्वेशन हैज ओनली वन टाइप ऑफ द वेरिएबल लाइक एक्स, देन ऑलवेज एक्स इन दिस, लाइक वाई इज देन कॉल्ड वाई। ओके स्टूडेंट, अब ये चैप्टर का बेसिक था वो स्टैंडर्ड 7 में था, बट मैं आपके सामने एक बार उसको रिवाइज करेंगे। सो स्टूडेंट लेट स्टार्ट टू रिवाइज इट। सो यस स्टूडेंट, नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न सम बेसिक टर्म दैट आर रिलेटेड टू द चैप्टर, ठीक है, दैट विदाउट दी टर्म्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल। सो स्टूडेंट, ठीक है, यू वॉच केयरफुली। नाउ इट द फर्स्ट टर्म द कॉन्स्टेंट। ओके, वर्ड क्या हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट दैट अ क्वांटिटी विच टेक्स अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट। मीन्स, ठीक है, जो भी ये कॉन्स्टेंट होगी इज अ फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, द वैल्यू ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू सच दैट 1, 4, ठीक है, -1/2, 7/9, लाइक 10, 11, देन एक्सेट्रा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये फिक्स ही होती है, ठीक है, मेरे लिए भी 1 है, ये आपके लिए भी 1 है, किसी और के लिए भी 1 है, सो दे आर फिक्स्ड वैल्यू, सो दे आर कॉल्ड द कॉन्स्टेंट फॉर एक्सप्रेशन। ओके, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और स्टूडेंट ये बेसिक डेफिनेशन है दैट रिलेटेड टू योर चैप्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड 7, सिंपल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट नाउ सेकंड डेफिनेशन वेरिएबल। अब इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट, ठीक है, जो आपको मैंने यहाँ पे लिखे बताया इज इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। सो स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, द वैल्यू ऑफ अ
variable is not fixed. It means what, student? A value of a variable is not fixed. We can take any value at the place of the variable that we want. मैं कुछ और ले सकता हूँ, ठीक है, लाइक आप भी कुछ और ले सकते हो. यही रीजन से उसका नाम भी क्या स्टूडेंट रखा है, वेरिएबल. नॉट कॉन्स्टेंट होता है वो, क्या होगा, फिक्स्ड वैल्यू. बट ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, वेरिएबल. ठीक है, ये चैप्टर स्टूडेंट वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ द मैथमेटिक्स. ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद वेरिएबल्स आर यूजली, ओके, अब क्या करते हैं स्टूडेंट, वेरिएबल होते हैं ये किससे डिनोटेड करते हैं, usually of alphabet such as that x y z a b c like this small letter के, ठीक है, usually हम use करते हैं to show variable like student x plus 1. okay, अब ये expression के अंदर ये x है ये variable और 1 है ये क्या है, ये constant हो जाएगा. तो student ये बहुत इंपॉर्टेंट था, हैड टू अंडरस्टैंड द बेसिक टर्म टू लर्न मोर अबाउट द चैप्टर. नाउ स्टूडेंट द एक्सप्रेशन. अब स्टूडेंट ये चैप्टर स्टैंडर्ड 8 के अंदर 14 नंबर का चैप्टर होगा. नाउ बट फर्स्ट दैट रिलेटेड टू स्टैंडर्ड 7 के रिवीजन से इसकी भी एक मैंने सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है. फ्रॉम द वेरिएबल वी फॉर्म द एक्सप्रेशन. ठीक है, दैट हम कैसे बनाते हैं एक्सप्रेशन, फ्रॉम द वेरिएबल, वेरिएबल से हम क्या बनाएंगे, द एक्सप्रेशन बनाएंगे. अब स्टूडेंट ये किस टाइप के बनेंगे, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड द कांस्टेंट, वो दोनों का साथ में मिलकर भी बन सकते हैं, लाइक 9x plus 2 द कांस्टेंट, ये इसका वेरिएबल क्या हो गया, ये लाइक, ठीक है, इसके अंदर वेरिएबल आ गया x, तो ये एक्सप्रेशन बन गया. अब स्टूडेंट चैप्टर का नाम तो है लीनियर इक्वेशन और सर हमें सिखा रहे एक्सप्रेशन. सो स्टूडेंट ये बेसिक टर्म है, ठीक है, फिर इसके बाद आगे का टर्म होगा, दैट इज दैट एन इक्वेशन. सो स्टूडेंट एट फर्स्ट यू नोट डाउन, ठीक है, इसको नोट करो एंड देन वी विल कंटिन्यू. तो इसको नोट करो और नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट करना. सो स्टूडेंट so yes student, now the fourth definition is that an equation. So finally we are going to start to describe what is an equation. So kya describe karna start kare student, what is an equation. Okay, so student that an equation is a type of expression that in which there is always an equality sign. एक बार फिर से रिपीट करेंगे, that an equation is a type of the expression in which there is always an equality sign. Means जो equation होती है वो, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, एक expression का ही एक type है जिसके अंदर there is always an equality sign. Means ये equality का sign वो expression के अंदर होगा given. That more type पढ़ो, that an equation has two sides is called left hand side and right hand side and they are, ठीक है, they are always equal. वो दोनों side equal क्यों होती है, because there is an equality sign. उनके बीच में sign given है और इसकी meaning हम starting से ही जानते हैं. When two values are equal, we put the sign of equality that between them. Let's take some example. Now student, now if we take the example x plus 3. So student, now this is only an expression, but then if we put the sign of the equality and now we put the other value, so it become an equation. Kiska example ban gaya? Ye equation ka example ban gaya. Let's take some more example, that x square plus 2x plus 4 equal to 0. Now it is also an equation student. ये example आपको ये point के नीचे लिख के start करना है. So student के पास में कोई नहीं लिखेगा. ये किसके example हो गए? A type of that an equation. Let's some more example. 9x equal to 5. That is the ठीक also type of an equation. ये किसके type हो गए student? ये equation के type हो जाएंगे. इसमें आपको
दो साइड देखने को मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और उसका हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड। और जो हमारे राइट हैंड साइड की ओर हो वी राइट टू हैंड राइट हैंड साइड। तो ये टाइप से, और ये दोनों साइड क्या होगी, दे आर दैट ऑलवेज बी इक्वल बिकॉज देर इज अ साइन ऑफ इक्वलिटी। स्टूडेंट वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, सो प्लीज वॉच केयरफुली वन पॉइंट बाय पॉइंट। अब ठीक है, इसमें भी बहुत स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, सीधा ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेनी स्टूडेंट डू लाइक दिस, सो दे फेस मोर डिफिकल्टी टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज। बट वेन यू, ठीक है, फर्स्ट वेन यू फिनिश दिस, ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल टू सॉल्व द एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है लीनियर इक्वेशन, बट लीनियर इक्वेशन के अंदर एक चीज और बता दूं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं एंड देन आई विल एक्सप्लेन। द इक्वेशन विद लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, सो ध्यान से समझना, साइड में लिख देते हैं फोर रफ, ये कोई साथ में मिक्स मत करना। द इक्वेशन विद लीनियर एक्सप्रेशन, ओके we know that the expression, but what is linear expression student? Linear expression means जो expression में variable की सबसे highest power अगर one हो, then we call it linear expression like this। अगर इसमें से मैं, ठीक है, that मैंने सिर्फ क्या लिख दिया x plus 3, कैसा expression है linear, why linear, इसके अंदर का variable क्या है is x, और इसकी power क्या है student, ऊपर कुछ शो नहीं हो रही, सो इट्स पावर इज वन, इसकी पावर क्या है, वन पावर है, जो उसकी पावर वन हो, नॉट मोर देन वन, वन से ज्यादा होगी तो लीनियर नहीं होगा। स्टूडेंट ये क्लास तक आपको यही सीखना है, देन इसके कुछ आगे चैप्टर आएंगे, कुछ और टाइप सीखने को मिलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, लीनियर एक्सप्रेशन। ओके सेकेंड टाइप से लेते हैं, देन एक्स स्क्वायर प्लस नाउ टू एक्स प्लस फोर, वेरिएबल स्टूडेंट एक्स एक्स एक्स, बट हाईएस्ट पावर क्या है तो टू है, मींस नॉट लीनियर, टू है ये लीनियर नहीं होगा, तो उसको रफ कर देते हैं स्टूडेंट। ओके कुछ और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, फोर एक्स, ओके इसमें टर्म कितनी है वन, सो इट इज कॉल्ड मोनोमियल, वी हैव लर्न्ड इन स्टैंडर्ड सेवन आई थिंक 14 चैप्टर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल इसमें टू टर्म हो वो बाइनोमियल हो जाएगा, ये टाइप से हम डिस्क्राइब कर देते हैं। तो 4x, चलो आप सोच रहे होंगे सर x का x ही क्यों लेते हैं, y 4y, नाउ वेरिएबल इज स्टूडेंट y, और इसकी पावर क्या है, वन पावर है, सो इट इज कॉल्ड लीनियर एक्सप्रेशन। 4x plus 9 कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज सेम वेरिएबल, और उसकी पावर क्या हो जाएगी, वन पावर हो जाएगी, हम इनको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, लीनियर एक्सप्रेशन। अब इसके साथ भी, इसके भी दो टाइप होंगे इन, ठीक है, वन वेरिएबल और दैट इन टू वेरिएबल। सो स्टूडेंट सेम एग्जांपल, ठीक है, दैट एक्स प्लस थ्री, अब आपको इसमें वेरिएबल दिख रहे वो कितने टाइप के हैं स्टूडेंट, लीनियर का तो पता चला, नाउ इट इज लीनियर एक्सप्रेशन, वेरिएबल है वो कितने टाइप के, सो स्टूडेंट आपको इसमें सिर्फ जो वेरिएबल दिख रहा है दैट इज द टाइप ऑफ ओनली द x, सो इट इज कॉल्ड इन वन वेरिएबल। सो इन वन वेरिएबल जो हम अगर इसके अलावा लें 4x plus 9y, सो स्टूडेंट नाउ लीनियर तो है क्योंकि इसकी पावर भी 1 और सेकंड वेरिएबल की पावर भी 1 है, नाउ स्टूडेंट वन डिफरेंस, नाउ इट इज इन द टू वेरिएबल, ये टू वेरिएबल में, सो स्टूडेंट दिस टाइप ऑफ, ठीक है, द एक्सप्रेशन और द इक्वेशन यू विल लर्न इन स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 8 तक आपके ये नहीं आएगा, इसको मैं रफ कर देते हैं, डिफरेंस हो जाएगा इन वन वेरिएबल। चलो वन वेरिएबल के कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जेड प्लस 4 या 9y, ये सारे के सारे कितने होंगे, वन वेरिएबल वन वेरिएबल वन वेरिएबल, बिकॉज दे हैव द वेरिएबल दैट ऑफ ओनली वन टाइप, इन सबके अंदर जो भी वेरिएबल है वो कितने टाइप के स्टूडेंट, वन टाइप के, सो इनको क्या बोलेंगे, इन वन वेरिएबल। तो स्टूडेंट लुक इन
look in the definition again. The equation with linear expression in one variable that are called linear equation in one variable. ये सबको हम क्या बोलेंगे student? Linear equation in one variable. Now we take some example. You can write also ये definition के नीचे ये example लिखने and then 5 के बाद आप ये देखिए example लिखने हैं. 2x minus 1 equal to 2. Second 4y equal to 2. तो ये कैसे एग्जांपल हो जाएंगे स्टूडेंट? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो स्टूडेंट ये कांसेप्ट था इसका बेस. ये जीत के बाद स्टूडेंट एक और आएगा टॉपिक, वो डिस्क्राइब करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द रियल एक्सरसाइज. तो उसके टॉपिक के साथ ही आपकी ठीक है मेन एक्सरसाइज का बेसिक तो स्टार्ट हो जाएगा. तो वो क्या टॉपिक है स्टूडेंट? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सो स्टूडेंट इट फर्स्ट यू नोट डाउन एंड देन वी विल कंटिन्यू. तो यस स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. सो स्टूडेंट अब हमने ये तो सीख लिया व्हाट इज एन इक्वेशन. नाउ फर्स्ट ये भी हमने स्टूडेंट स्टैंडर्ड 7 में सीखा है इन चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन दैट अ नंबर व्हिच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर वेरिएबल इन एन इक्वेशन मेक्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड set to satisfy the equation n, that is called a solution of the equation. So student ko not karo and then we will continue. So yes student the solution of that n equation. तो आपको क्या समझ में आया इसकी definition से? That is a number, एक type का number होगा which when substituted for variable in that the equation makes left hand side equal to right hand side. Means वो number को वो equation में variable के place पर उसको put करने पर left hand side होती है equation की वो right hand side के क्या हो जाएगी? वो equal हो जाएगी and set to satisfy the equation. और वो चीज को हम क्या बोलेंगे? Set to satisfy the equation. ये equation को satisfy करता है then is called a solution of an equation. ये तो हो गया स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन. नाउ द प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली देखते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल दैट एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो दैट इज एन इक्वेशन एंड स्टूडेंट वेरिएबल इज टू. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? कैसे पता चलेगा? वेरिएबल का एक्स, अब ये एक्स के प्लेस पर हम क्या पुट करें? व्हाट शुड बी पुट एट द प्लेस ऑफ द वेरिएबल देन वी विल गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. कि हमें ठीक है क्या मिल गए, क्या मिलेगा इससे? लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा राइट हैंड साइड के. अब राइट हैंड साइड क्या है? जीरो. मींस ये वेरिएबल के प्लेस पर हम क्या पुट करें कि हमें ये साइड में भी जीरो मिल जाएगा. वी ऑल नो दैट वी हैव टू पुट माइनस 2. तो क्या पुट करेंगे? नाउ पुट दैट x इक्वल टू माइनस 2. माइनस 2 नाउ इक्वल टू 0. इट बिकम आल्सो 0 इक्वल टू 0 एंड वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो स्टूडेंट दैट x इक्वल टू आंसर कैसे लिखोगे? ये टाइप से आंसर लिखोगे दैट x इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ये टाइप से स्टूडेंट स्टेटमेंट लिखकर ही आपको लास्ट आंसर में सॉल्व करना है. तो स्टूडेंट ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, दैट आई थिंक आपको ये तो माइंड में आ गया होगा कि सॉल्यूशन होता क्या है. वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन में रखने पर या पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए उसको क्या बोलेंगे? लाइक 7y = 14. Okay, so what should we put at the place of the y? Then left hand side equal to right hand side. So we all know that 7 2 14. Yes, so y equal to 2. Now 7 multiply 2 equal to 14 and we get 14 equal to 14. So your answer is what, student?
y equal to 2 is the solution of this equation. So student, ये type से हम क्या find करते हैं? The solution of that and equation. So student, now ये basic हो गया है, ठीक है, that up to standard 7 तक का, but now in standard 8, some, ठीक है, some advanced level equation. अब student, ठीक है, some student are now thinking, ठीक है, there are some rules. So student, yes, rules, but in math student, rules makes fools and practice makes a perfect. तो आपको क्या करना है, सोच लो, रूल्स पढ़ोगे तो क्या हो जाओगे, फूल्स. सो यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस फॉर बिकम दैट अ परफेक्ट इन दिस चैप्टर और द होल मैथ्स एंड द एवरी सब्जेक्ट. तो आपको प्रैक्टिस करनी है. अगर आपने रूल्स के पीछे पड़े रहे तो ये फिक्स नहीं कि यही टाइप के क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक में से आए, ठीक है, दैट कैन बी वेरी फ्रॉम मेनी प्लेस. सो स्टूडेंट, नोट इट डाउन with two example, that example number 1 and example number 2. और इसका आंसर भी आप लिख देना, y equal to 2 is the solution of the equation. So student, note it down and then we will solve some more example and find the solution of this equation. Not done. So student, now from this question, find the solution of the given equation. Okay, and now we have there four equation and we have to find the solution of the equation. So student, now at first that I show the method which we used in the standard 7 is what student, trial and error method. Now इसका अगर सिंपल नेम बताऊं, ठीक है, बैलेंस मेथड. हमने उसमें क्या कर देते, लाइक फॉर दिस वेरिएबल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स, सो वी हैव टू रिमूव द अदर नंबर देन एक्स. ये एक्स के अलावा जो भी नंबर थे वो क्या करने पड़ते थे, रिमूव करने थे. मीन्स ये 3 को अब यहाँ से रिमूव करना है. सो What should we do? ये जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? We have to add now 3. So that x minus 3 n plus 3. So equal student in that n equation जो भी हमने left hand side में किया है वो का वो हमें, ठीक, हम क्या कर सकते हैं right hand side में, और 4 the balancing we have to do this. ये करना ही पड़ेगा. तो यहाँ पर 3 plus किया तो सामने भी 3 प्लस कर दो. सो स्टूडेंट, इट बिकम नाउ 0 एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज 10. सो दिस इज द सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट, नोट डाउन एंड देन वी कंटिन्यू. सो यस स्टूडेंट, नाउ अ न्यू मेथड इज, ठीक है, ट्रांसपोजिंग मेथड दैट वी विल यूज इन स्टैंडर्ड 8. इसके प्लेस पर जो मेथड हम यूज करेंगे वो कैसा होगा, ठीक है, ट्रांसपोजिंग मेथड. सो स्टूडेंट, ये मेथड में आपको क्या करना है, लाइक दिस. एक चीज और बता दूं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आप चाहे तो यहाँ पे देख लो, दिख रहा है ना आपको, लेफ्ट हैंड साइड दैट इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, देन इफ वी इंटरचेंज द साइड, लाइक अगर मैं जो भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है वो मैं राइट हैंड साइड में लिख लूं, और राइट हैंड साइड में लिखी है वो मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख लूं, देन दे आर आल्सो इक्वल. तो भी वो क्या रहेंगे, वो इक्वल ही होंगे, वो इक्वल ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देन लेफ्ट हैंड साइड में कोई वैल्यू हो और उसका साइन प्लस में हो, लाइक जैसे ये 4 है, ये प्लस में है, तो अगर वो कहां पे ट्रांसपोज होगी, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगी, तो क्या हो जाएगा उसका स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा. साइन क्या चेंज हो जाएगा, जैसे ये 4 प्लस है तो यहाँ पे जाते क्या हो जाएगा, माइनस 4. जो अगर कोई नंबर माइनस में है लाइक ये 3, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. देन अगर कोई मल्टीप्लीकेशन में है देन इट विल बी कन्वर्ट इन टू डिविजन, मीन्स वो उसके अकाउंट में आ जाएगा डिविजन में. और अगर कोई
नंबर है वो किस में है, डिवीजन में, मींस अपॉन में है, लाइक दिस ये 3 अपॉन में है तो ये 3 ठीक है राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। सो स्टूडेंट यही रूल्स ठीक है ना कैसे काम करेंगे ऑन द बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाओ या फिर राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड ठीक है, रूल्स आर सेम अप्लाई, ये ट्रिक हो जाएगी इसी पे बेस्ड होगा। ओके नाउ वी ट्रांसपोजिंग दैट ऑन ठीक है दैट ऑन ट्रांसपोजिंग माइनस थ्री को ठीक है ना कैसे ट्रांसपोज करेंगे टू राइट हैंड साइड, टू को यहां से निकाल देते हैं टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये माइनस थ्री को कहां ट्रांसपोज किया आपने राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा दैट एक्स इक्वल टू सेवन, अब इसका साइन माइनस है तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट ये प्लस बन जाएगा थ्री और क्या बन जाएगा एक्स इक्वल टू टेन, ये क्या हो जाएगा क्या हो गया स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन हो गया, इसको नोट करो एंड देन कंटिन्यू। यस स्टूडेंट नाउ फॉर द लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, अब ये पहले देखते हैं दैट इक्वेशन क्या हो जाएगी दैट x + 4 = 12, सो स्टूडेंट वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट नाउ व्हाट ये 4 का साइन क्या दिख रहा है आपको, ये प्लस दिख रहा है, तो स्टूडेंट हमने क्या सीखा है अगर 4 को यहां से ठीक है इसको कहां पे भेजेंगे राइट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन क्या है इसके साथ वेरिएबल के साथ प्लस, अब इसको हमें वहां पे ट्रांसपोज करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x और ये x की वैल्यू मिलेगी वही क्या होगा स्टूडेंट सॉल्यूशन होगा। सो स्टूडेंट ठीक है ट्रांसपोजिंग नाउ प्लस 4 टू राइट हैंड साइड, यहां पे ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड में, सो नाउ ठीक है x दैट इक्वल टू 12 और 4 उधर जाके क्या हो गया माइनस 4, साइन चेंज हो गया यहां पे था प्लस का इक्वल के साइन के उधर गया तो माइनस का हो गया, नाउ एक्स इक्वल टू सब्ट्रैक्शन आता है ना ओके चलो ये तो आता ही होगा तो क्या आंसर बचा दैट 8, इसका आंसर क्या होगा क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में एक्स इक्वल टू दैट ठीक है दैट इक्वल टू 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो स्टूडेंट ये टाइप की स्टेटमेंट यू हैव टू राइट इन ऑल क्वेश्चन, मैंने इसमें नहीं लिखी थी वो भी लिख देना। नाउ फॉर सेकंड क्वेश्चन इज ठीक है 2x इक्वल टू 10, अब स्टूडेंट ये 2 है वो ये x के साथ में साइन कौन सा है तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको कुछ साइन दिख रही नहीं रहा है, यू कैन नॉट सी द साइन, सो स्टूडेंट ये 2 है वो ये x के साथ में मल्टीप्लीकेशन में, सो स्टूडेंट यहाँ पर मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ 2x को हम ये टाइप से लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई एक्स, सो स्टूडेंट ये वेरिएबल है ये नंबर है, अब ये दोनों का तो कुछ ठीक है रिजल्ट आएगा नहीं, सो ये नंबर को ये टाइप से लिखेंगे 2x मींस ये 2 है वो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लीकेशन, ये टाइप के कितने नंबर आए 4x 9x तो जो भी ठीक है न्यूमेरिकल पार्ट है ये क्या है मल्टीप्लीकेशन में ये कोफिशियंट है हमने सीखा ना 7th के अंदर ये कोफिशियंट है x का, तो स्टूडेंट ये मल्टीप्लीकेशन में हमने क्या सीखा है मल्टीप्लीकेशन में वो तो किस में चला जाएगा वो डिवीजन में मींस ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो स्टूडेंट ठीक है ट्रांसपोजिंग 2 टू राइट हैंड साइड सो x इक्वल टू नाउ 10, अब या तो लिखो इसका डिवीजन करके या इसके सीधे अपॉन में लिख दो। ओके नाउ वी ऑल नो दैट इज 2 5 आर 10, उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 5 सॉल्यूशन हो जाएगा दैट x इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन स्टूडेंट ये टाइप से इनका क्या फाइंड करेंगे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन दैट x अपॉन नाउ 3 इक्वल टू 7, ये 3 है ये x के साथ में किस में है ये क्लियरली हमको दिख रहा है, बस ये टाइप से आपको दिखे तो आपको क्या पता लगाना है मल्टीप्लीकेशन में,
ये टू का आप चेक करोगे इसका साइन तो प्लस है टू का, ये पता नहीं लगा था वेरिएबल के साथ में इसका क्या ऑपरेशन है, इस पे बेस करेगा, मींस ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, ये प्लस में था वेरिएबल के साथ में, ये माइनस में था, इस पे बेस्ड करता है, आपको चेक करना है। मींस अब देखो ये थ्री डिवीजन में, सो स्टूडेंट आपको पता है डिवीजन में हो तो किस में चला जाएगा मल्टीप्लिक, तो आपने क्या सीखा, ठीक है जो प्लस में है तो उसका माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये इंटरचेंज ओके। देन अगर मल्टीप्लीकेशन में हो तो वो डिवीजन में चला जाएगा, और अगर डिवीजन में हो तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। स्टूडेंट वेरी सिंपल, ट्रांसपोज ट्रांसपोजिंग थ्री टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना, किसकी तरफ किया ट्रांसपोज, यहाँ पे राइट हैंड साइड, सो नाउ एक्स इक्वल टू सेवन, ये थ्री का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई थ्री, एंड वी गेट दैट एक्स इक्वल टू 27, आपका जो भी है सोल्यूशन उसके ऊपर ये बॉक्स आप ड्रॉ कर सकते हो, क्या हाईलाइट होगा इससे, ठीक है इसका रियल आंसर आया है, सोल्यूशन आया है, ये हाईलाइट होगा, ये भी अच्छा होता है, एंड देन यू कैन राइट द स्टेटमेंट, इसके नीचे स्पेस नहीं है लेकिन आप स्टेटमेंट लिख देना। इसके बाद ठीक है आपको कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, लाइक इसके पहले का हमने क्या चैप्टर फिनिश किया, ओके छोड़ो, नोट इट डाउन एंड देन वी कंटिन्यू।